अभी तक आज कल जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद 17 जिला परिषद सीटों के आज रिटर्निंग जो ऑफिसर के थे सर्टिफिकेट दिए गए हैं, रिटर्निंग सर्टिफिकेट दिए गए हैं सभी जिला परिषद मेंबर्स के। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट जीते हैं वो जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरेंगे। हम लोग प्रशासन की तरफ से उनके साथ मिलके काम करेंगे ताकि जो भी एक्सपेक्टेशंस आम जनता की उनसे हैं वो पूरी की जाएं। वो जो भी नागरिकों की असुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे, हमारे पास लेके आएंगे। अगर हमारे सरकारी महकमे से अगर कोई गलती होती है तो उस पर भी उसको भी ध्यान में दिलाएंगे ताकि उसको सुधारा जा सके। और एक टीम की तरह काम करेंगे ताकि हम सब मिलकर आम जनता और वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के सभी नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। शपथ सर को शपथ का भी डिक्लेरेशन नहीं आया है इलेक्शन कमीशन से, बट हम उम्मीद करते हैं कि आफ्टर 15 अगस्त के प्रोग्राम के बाद 3rd या 4th वीक ऑफ अगस्त में शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। अभी कोई डिक्लेरेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन से नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन किस कैसे उम्मीद करता है इन लोगों के साथ मिलकर काम करने की रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है? हम एडमिनिस्ट्रेशन का है कि जिस तरह से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरीके से पॉलिसीज़ बनाएंगे, जिस तरीके से उनका जो उद्देश्य होगा, जो गाइडलाइन सरकार हमारे लिए इशू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम उसको फॉलो करेंगे। और जहाँ भी पॉसिबल होगा, जिस तरह की भी उम्मीद हमसे की जाएगी, सलाह हो या इम्प्लीमेंटेशन में कोई किसी तरह का कोई सहयोग हो, हमारी तरफ से पूरा मिलेगा। थैंक यू। मानुषर जो प्रत्याशा, মানুষ যেভাবে আমাদের প্রতি বিশ্বাস রেখেছে, সমর্থন করেছে, আমরা তার সম্মান রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং কাজ করব। আপনারা যে যে জায়গা থেকে জয়ী হয়ে আসে এসেছেন সেইগুলো জায়গাগুলো রাস্তাঘাট খুব খারাপ, সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের কী চিন্তা ভাবনা রয়েছে? আমরা এখনই ডিএম সাহেবকে বলেছি আমরা আমাদের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাক, আমরা বসবো, বসে আমরা সব কিছু আলোচনা করে আমরা প্রায়োরিটি ভিত্তিক যেগুলি প্রথম দরকার সেগুলি আগে করব। সে প্রায়োরিটি দিয়ে কোন কোন কাজগুলি প্রথমেই করা দরকার সে প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা কাজ করব। প্রথমত দায়িত্ব আমাদের আরও বেড়ে গেল, বিশেষ করে আমাদের রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের যে জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি তার সঠিক প্রকৃত প্রাপকের কাছে যাতে পৌঁছে এবং জেলা পরিষদের অর্থের সঠিক বাস্তবায়ন, এক কথায় মানে জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে এই জেলার অন্তরে যে সার্বিক কল্যাণ, সার্বিক বিকাশ সেটা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। পাশাপাশি মানুষের আত্মসামাজিক উন্নয়নে আরও বেশি আন্তরিকতা হবে, আরও বেশি জোর দিতে হবে। এক কথায় আমরা আগামী 5 বছরে আমাদের সাধ্যমতো মানুষকে যতটুকু সার্ভিস দেওয়া সেটা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।